सपोज अगर आपको पता चले कि कल आपके लाइफ में क्या होने वाला है तो सोचो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज जिस सीरीज के बारे में बात करने वाली हूँ, उस सीरीज के हीरो को पता है कि उसके लाइफ में कल क्या होने वाला है, लेकिन वो चाहकर भी उसे बदल नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शनेश्वरी और मेरे चैनल मुंबई के शोनों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज, आज मैं जिस सीरीज के बारे में बात करने वाली हूँ उस सीरीज का नाम है समांतर सीजन 2। सीजन 1 की कहानी तो काफी अच्छी थी और सीजन 2 की जो कहानी है वो सीजन 1 की कहानी को ही उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो गाइज, सीजन 1 में हमने देखा था कि एक कुमार नाम का बंदा है जिसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, इसके लिए वो ज्योतिष के पास चला जाता है और वहाँ जाने पे उसे एक अजीब बात पता चलती है कि वो जो अभी जिंदगी जी रहा है वो जिंदगी ऑलरेडी कोई जी चुका है। और इसके बाद वो उस इंसान को ढूंढने में लग जाता है और सीजन 1 में वो ढूंढ भी लेता है। उसका नाम होता है सुदर्शन चक्रपाणी और इसके साथ साथ ही उसकी पर्सनल लाइफ भी दिखाई गई। उसकी फैमिली में उसकी एक वाइफ और उसका छोटा बेटा होता है और उसके लाइफ में जो भी परेशानियां होती है वो भी आपको इसमें देखने को मिली थी। अभी नेक्स्ट सीजन में आपको जो देखने को मिलने वाला है इसका एक कंटिन्यू जो पार्ट है वही देखने को मिलने वाला है। कुमार जब सुदर्शन चक्रपाणी से मिलता है तब उनसे वो उनकी जो डायरिया होती है, जो पर्सनल डायरी, जो रोज उनके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था वो उन्होंने लिख के रखा था, वो डायरिया वो कुमार उनसे ले लेता है। लेकिन सुदर्शन चक्रपाणी वो डायरी देने से पहले उनसे एक शर्त ले लेते हैं कि शर्त ये होती है कि वो सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ सकते हैं, मतलब कल क्या होने वाला है वो सिर्फ आज ही जान सकते हैं, उसके आगे क्या होने वाला है ये वो बिल्कुल जान नहीं सकते। तो ये उनकी शर्त होती है। कुमार को ये तो पता चलता है कि कल उसके लाइफ में क्या होने वाला है लेकिन वो चाहकर भी उसे बदल नहीं सकता। सीजन 2 के ट्रेलर में हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है, उसमें आपको सई तामनकर भी नजर आने वाली है। पहले सीजन में हमने देखा था कि कुमार लास्ट का जो पढ़ना पड़ता है कि उसके लाइफ में किसी औरत की एंट्री होने वाली होती है और यहाँ पे वो सीरीज का फर्स्ट सीजन खत्म हुआ था। अभी इस सीजन में हमें देखने को मिलेगा कि अभी कुमार का प्रमोशन भी हो चुका है, स्टार्टिंग में उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, उसकी वाइफ के साथ वो खुश है, लेकिन बाद में उस औरत की एंट्री ना चाहते हुए भी उसके लाइफ में हो जाती है और वहां से पूरी उसकी जिंदगी तहस नहस होना चालू हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर उसे जेल भी जाना पड़ता है, जेल में उसके साथ क्या होता है, ये सब देखने के लिए आपको सीरीज जरूर देखनी चाहिए। सीरीज में जो दूसरी औरत की जो एंट्री होने वाली है वो कोई और नहीं, वही सई तामनकर है जिन्होंने वो रोल प्ले किया है। सीरीज की जो कहानी है वो मराठी नॉवेल से ली गई है और उस नॉवेल का नाम भी समांतर ही है और इसकी जो कहानी लिखी है वो सुहास शिरवाजीकर ने लिखी है और काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी आपको इसमें इसलिए देखने को भी मिली है। सीजन 2 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सीजन 1 में आधा तो सस्पेंस खुल चुका है, अभी आधा जो बाकी सस्पेंस बचा है वो सीजन 2 में खुलने वाला है। काफी थ्रिलिंग सीजन ये होने वाला है तो काफी इंटरेस्टिंग और देखने में मजा भी आएगा। तो आई होप गाइस मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।